कवर फायर दे पाएंगे अपने लिए। एंड यहाँ पे थॉर के ऊपर स्प्रे लेते हुए, बट वो स्प्रे मिस हो चुका है। बट यहाँ पे पीछे से अच्छा खासा कवर फायर मिलता है टीम गॉडल के प्लेयर्स को, यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए। यहाँ पे गॉडल के गिल ने एटम के अल्फा को नॉक कर दिया, एंड यहाँ पे एटम को भी नॉक करते हुए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ स्किल्स। एंड देखते हैं यहाँ पे टीम एटम के, देखते ही देखते दो बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके। तो एटम के जो तीसरे बंदे उनके जो स्क्वाड के प्लेयर एटम के डाइनो यहाँ पे काफी करीब आ रहे हैं अपने स्क्वाड की तरफ, बट यहाँ पे शॉर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट शॉर्ट मिस कर गए। एंड यहाँ पे देख सकते हो गिल ने एटम के अल्फा को फिनिश ऑफ कर दिया। फिलहाल टीम गॉडल की स्क्वाड यहाँ पे किसी भी मोमेंट कुछ करना चाहेगी, बट यहाँ पे गिल विद दैट थर्ड ब्यूटीफुल नॉक, एंड एटम के गोकू आई थिंक काफी दूर है एंड गिल को स्पॉट करते हुए। बट यहाँ पे गिल को आई थिंक एटम के लास्ट मेंबर जो कि आई थिंक नहीं हुआ है दोनों साइड से ज्यादा, एंड यूपी 50 के सरकार ने वहां पे आई थिंक एक नॉक ले लिया है। आई थिंक डेडली के जॉटको और राय दोनों नॉक हो चुके हैं। अगर यहाँ पे बोब डॉप की बात करें, यहाँ पे बोब डॉप स्प्रे डाउन करने की कोशिश करें यूपी 50 की सरकार की, एंड यहाँ पे यूपी 50 के KSR बचे अकेले, एंड यहाँ पे यूपी 50 की KSR वाइप कर देंगे। एंड इसी के साथ टीम डेडली को टीम यूपी 50 के दो बंदों ने वाइप करा एंड उनकम बिहाइंड। एंड देखते हैं यहाँ पे डिवाइन को भी नॉक कर दिया गया। तो फाइजर और एक्विनॉक्स आर द टू मेंबर्स अलाइव एंड BRDM है उनके पास। एंड अभी देखते हैं टीम 4A की स्क्वाड किस प्रकार यहां पे टीम IM के साथ ये फाइट लेना चाहेगी। बहुत ज्यादा दिक्कत हो सके, 4S फाइटर आगे मूव कर चुके हैं, एक्विनॉक्स भी आगे मूव कर चुके हैं, BRDM के पास है, बटन थोड़ा सा आगे आ चुके हैं कि माफी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। माइटी वहां पर आते हैं, 4S इवन अपने मोलर अपने प्लेयर के मोलर टॉप से वहां पर डाउन होकर फिनिश होने की पूरी पूरी कगार पर आ चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। ज़ेरफ को वहां पर बहुत कम छोड़ा था, ज़ेरफ को फिनिश किया जा रहा है वहां पर, UMP यूज करते हैं, एक्विनॉक्स वहां पर, नियोनाइक को भी डाउन कर दिया, माइटी बचे हैं यहां पर, रिबन बची हुई है। सो दो प्लेयर्स को यहां पर पूरा पूरा फाइट देखना पड़ेगा, एक प्लेयर को डाउन कर चुके थे, सो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। 2v2 की सिचुएशन हो सकती है, यहां पर माइटी को वापस स्पॉट किया जा चुका है, यहां पर अंदर घुस गए, यहां पर माइटी को फिनिश किया जा सकता है, बिकॉज माइटी की हेल्थ बहुत ज्यादा कम बचती है इस पूरी फाइट के अंदर, माइटी को निकलना पड़ेगा। रिबल पीछे से पूरा का पूरा फाइट संभाल सकते हैं, रिबल अकेली प्लेयर बची हुई है इस टाइम, 10 गोलियां 40 हो चुकी हैं, उन्होंने रीलोड कर लिया, यहां पर फिनिश किया जाना शुरू हो चुका है। आई गेस 4A ये फाइट निकाल सकती है, बट देन रिवाइवल्स आर कमिंग इन हैंडी, बट साइड से एक प्लेयर आ सकता है जो कि पूरा दिक्कत दे सकता है। एक्विनॉक्स एक साइड से घुसता है, यहां पर पूरी की पूरी दिक्कत होती है, वहां पर एक्विनॉक्स की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। रिबल टेक्स डाउन द फर्स्ट पर्सन, रिबल एक्चुअली क्लचेस इट आउट, जस्ट इमेजिन, एक प्लेयर ने बहुत अच्छा क्लच किया यहां पर। अगेंस्ट टीम ETG ब्रॉलर्स यहां पे पुशिंग करते हुए, ETG ब्रॉलर्स के फ्रॉस्ट ने वहां पे जॉर्डन को नॉक कर दिया। आप देखते हैं यहां पे ईशान ने मीनवाइल फ्रॉस्ट को नॉक कर दिया, आइकॉनिक नॉकिंग डाउन ईशान, एंड इट्स ऑल अपॉन अमीर एंड डेल्टा, बट यहां पे डेल्टा ने ETG ब्रॉलर्स के डार्क को नॉक कर दिया। अभी इनको जल्दी से जल्दी हील अप करना पड़ेगा क्योंकि इनको फाइट में रीसेट भी होना है। मीनवाइल उनके जो टीममेट थे आमिर, वो उनके जो दूसरे टीम में नॉक पड़े थे उनको रेव दे रहे थे। फिलहाल साथ के डेल्टा ऑलमोस्ट यहां पे नॉक हो चुके हैं बाय आइकॉनिक, एंड आइकॉनिक को ये नॉक मिलता हुआ साथ के आमिर के पास चलते, देखते क्या कमाल दिखा पाते। फिलहाल थोड़े डिफेंसिव खेलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हैं, बट यहां पे आमिर भी नॉक हो चुके, इट कम्स डाउन टू ईशान, आइकॉनिक कमिंग विद दैट उजी, एंड यू कैन सी why Uzi is one of the most preferred players को डाउन किया जाए। एंटू ने बहुत प्यारे तरीके से MK14 का यूज किया है फॉर दैट थिंग, एंड RIP स्क्वाड रेजर बच्चे दलजीत एक एरिया पर स्पॉट करना चाहेंगे, पर किस तरीके स्पॉट करते हैं, एंड मेरे को लगता है रेजर के लिए ये गेम प्ले दिक्कत दे सकता है। रेजर बाहर जा रहे हैं, जोन से ओवर कमिट करते हैं, ऑब्वियसली दिक्कत हो जाएगी, 5-4 बच्चे हुए हैं, इसलिए लोन सर्वाइव फॉर द टीम, बट इनके सामने पूरा का पूरा स्मोक क्लाउड बन चुका है, इनके लिए अभी सेफ सिचुएशन हो सकती है, बट देन ऑरेंज रॉक को जोन के अंदर ओपन में आना। आप देख सकते हो यहां पर बादशाह इकट्ठे एक एक लाइन ऑफ फायर में चारों अकेले लेकर जा सकते हैं, अगर वो करते हैं, बट देन बादशाह के ऊपर स्प्रे आ रहे हैं, स्पॉट किया एंड गॉडल कैरी ने बट बैरली कनेक्ट हुआ। मीनवाइल एंटो गेटिंग नॉक फ्रॉम द प्ले जोन, एंड जी गॉड का स्प्रे फाइनली कनेक्ट होता हुआ ऑरेंज रॉक के वैम्पायर को, एंड दलजीत भी ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग नॉक, दलजीत भी नॉक हो चुके। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले फ्रॉम टीम एंटिटी जी गॉड, तो स्मोक के अंदर उन्हें बहुत उनको पता चला जहां पर हिट पॉइंट है वहीं पर उन्होंने अपना स्प्रे रखा पूरा का पूरा, एंड OR मवी यहां पर थोड़ी देर के लिए अभी सेफ रहेंगे, बट देन जोन में जाने जाना इनको, वहां पर एंटिटी को पता है कि एक ही प्लेयर बचता है एंड बाकी सब प्लेयर्स के लिए दिक्कत हो दिक्कत बढ़ रही है। ETG ब्रॉल फ्रॉस्ट भी एक साइड पर आ चुके हैं, चार टीम्स बचती है यहां पर, उसके अंदर OR का सोलो प्लेयर यहां पर मवी थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करें, मेरे को लगता है जोन के अंदर 1 मीटर अभी और जाना है, बट अभी के लिए वो वेट करना चाहेंगे। एंटिटी वर्सेस ETG ब्रॉल फ्रॉस्ट वर्सेस गॉर्डन हुक पर यहां पर किल उठाने की पूरी शुरुआत, आइकॉनिक किल उठाया OR मवी ने बहुत अच्छे तरीके से, 6 किल्स अपने पास रखते हुए एंड 3 किल्स उनके पास पर्सनली आ चुके हैं, 6 किल्स टीम के लिए। ETG ब्रॉल फ्रॉस्ट वहां पर डाउन किए जा रहे हैं, गाड़ियों के टायर्स बर्स्ट किए जा रहे हैं, बहुत प्यारे तरीके से फाइट की जाए, गॉर्डन गिल ने वहां पर ETG ब्रॉल फ्रॉस्ट का किल उठा लिया है, चार टीम्स अलाइव, एंटिटी वर्सेस गॉर्डन वर्सेस ETG ब्रॉलर्स, एंड मवी को भी स्पॉट किया जा चुका है, बट अभी के लिए ही इज सेफ विद दैट वन सोलो कवर ऑफ अ ट्री।
यस बट उन्होंने एक गलती कर दिया था, मोटी ने अपना स्पॉट दे दिया था एंड यहां पे क्लच गॉड कमिंग विद दैट MK14 फोर टाइम स्प्रे। दो प्लेयर्स आते हैं यहां पर एंटिटी के, तो गॉड एल वर्सेस एंटिटी, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसके बाद जस्ट फाइनल जोन शुरू हो जाएगा। टीम बैटल हुआ, सी गॉड को वहां पर स्पॉट किया था, एंटिटी क्लच गॉड ने कैरी को डाउन कर दिया, टेक्स डाउन फर्स्ट पर्सन, एक्सिस एक्चुअली टेक्स डाउन क्लच गॉड, सी गॉड इज द लोन सर्वाइवर फॉर दिस टीम राइट नाउ एंड मॉडल एक्सिस को भी चुके डाउन करना चाहेंगे बट गॉड एल टेक्स द विन इन देयर हैंड्स। बहुत प्यारे तरीके से एंटिटी को वाइप किया, दे वर दे ट्राइड।